पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच दाबी प्रसंग रे राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले सांसद सुरेश पुजारी नुआ दिल्ली रे पश्चिम ओडिशा रो पांच बीजेपी सांसद को पक्षरो प्रेस मीट करी राज्य सरकार को ऊपर बर्षि छंती से कहिछंती पश्चिम ओडिशा रे स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई नाही राज्य सरकार को निष्ठा 12 तारीख रे अभावनीय घटना पई पुलिस प्रशासन संपूर्ण दायी घटना परे अनेक आईएनजीपी को लाइसेंस रद्द करा जायछि आईएनजीपी मानंकु गिरफ करा जबा फल रे अदालत रे काम अवरोध होईछि एहि मामला रे हस्तक्षेप करबा को मुख्यमंत्री को दिया जायछि स्मारक पत्र मुख्यमंत्री एने पदक्षेप नियंतु बोली अनुरोध करा जायछि राज्य सरकार व्यापक आलोचना करी एहि समस्या रो तुरंत समाधान करंतु राज्य सरकार उचित समय रे उचित पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला उचित पदक्षेप नैथिले एभली अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होय नथांता आगो को पुनर्बार एभली स्थिति उपजिले राज्य सरकार संपूर्ण भावे दायी रहिबे। पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच दाबी प्रसंग रे राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले सांसद सुरेश पुजारी नुआ दिल्ली रे पश्चिम ओडिशा रे पांच बीजेपी सांसद को पक्षरो प्रेस मीट करी राज्य सरकार को ऊपर बर्षि छंती से कहिछंती पश्चिम ओडिशा रे स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई नाही राज्य सरकार को निष्ठा 12 तारीख रे अभावनीय घटना पई पुलिस प्रशासन संपूर्ण दायी घटना परे अनेक आईएनजीपी को लाइसेंस रद्द होईछि आईएनजीपी मानंकु गिरफ करा जबा फल रे अदालत रे काम अवरोध होईछि इस मामला रे हस्तक्षेप करबा को मुख्यमंत्री को दिया जायछि स्मारक पत्र मुख्यमंत्री एने पदक्षेप नियंतु बोली अनुरोध करिछंती राज्य सरकार व्यापक आलोचना करी समस्या रो तुरंत समाधान करंतु राज्य सरकार उचित समय रे उचित पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला उचित पदक्षेप नैथिले एभली अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइ नथांता आगो को पुनर्बार एभली स्थिति उपजिले राज्य सरकार संपूर्ण भावे दायी रहिबे। पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच दाबी प्रसंग रे राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले सांसद सुरेश पुजारी नुआ दिल्ली रे पश्चिम ओडिशा रो पांच बीजेपी सांसद को पक्षरो प्रेस मीट करा जायछि एवं प्रेस मीट करी राज्य सरकार को ऊपर बर्षिछंती सांसद माने से कहिछंती पश्चिम ओडिशा रे स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध किंतु पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पई राज्य सरकार को निष्ठा नाही 12 तारीख रे जो अभावनीय घटना घटी एथिपाय संपूर्ण भावे पुलिस प्रशासन दायी घटना परे अनेक आईएनजीपी को लाइसेंस रद्द होईछि फल रे आईएनजीपी को गिरफ करा जिबा परे काम वर्तमान अदालत रे अवरोध होईछि ए मामला रे हस्तक्षेप करबा को मुख्यमंत्री को एक स्मारक पत्र से माने देइछंती मुख्यमंत्री एने पदक्षेप नियंतु बोली अनुरोध करिछंती राज्य सरकार व्यापक आलोचना करी ए समस्या रो तुरंत समाधान करंतु राज्य सरकार उचित समय रे उचित पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला उचित पदक्षेप नैथिले एभली परिस्थिति सृष्टि होइ नथांता आगो को पुनर्बार एभली स्थिति उपजिले राज्य सरकार संपूर्ण भावे दायी रहबे बोली कहिछंती सांसद सुरेश पुजारी। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅତୀତର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିରବତା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଏଠି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଦାବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦାବି ଇଏ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ା ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ
उचित पदक्षेप उचित समय नहीं था हेत यह अभावन पिस्थित 12 तारीख दिन गत सोमवार दिन घटी न था।